हेलो फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे मूली कट कर रही हूँ और आप देख सकते हो। और दोपहर में मैंने कुछ भी नहीं बनाया था क्योंकि सुबह का जो खाना था, मतलब सब्जी रोटी, कुछ ज़्यादा बन गए थे। तो हम लोगों ने दोपहर में मैंने लंच कर लिया उसी का, और तो कुछ मुझे रोटियाँ बनानी भी पड़ी। तो यहाँ मैं खाना, मतलब कि खाने की तैयारी कर रही हूँ और मैं मूली कट कर ले रही हूँ। और मूली कट करने के बाद थोड़ी सी मैं सब्ज़ी लूँगी और दही। तो दही, सब्ज़ी, रोटी, मूली, यही मेरा दोपहर का लंच रहेगा। तो लंच करने के बाद कुछ मैंने आराम किया थोड़ा सा, और बर्तन तो मैंने जस्ट मतलब लंच करने के बाद मैंने साफ़ कर दिए थे, थोड़े से थे बर्तन, ज़्यादा नहीं थे। और उसके बाद सब्ज़ी में बना रही हूँ, शाम हो गई है तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। और भिंडी की सब्ज़ी आज मैं बना रही हूँ। और वही कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है सरसों का, और तब तक मेरा तेल जैसे गर्म हो रहा है तब तक उधर मैं प्याज और हरी मिर्च मैं कट कर ले रही हूँ। तो बस जब
ये तेल मतलब कि सरसों का ऑयल जब गर्म हो गया था बहुत ज़्यादा, तो इसके बाद मैंने उसमें जो कटे कटे थे मतलब प्याज हरी मिर्च वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और बस थोड़ा सा मैं हल्का सा इसको अधा कच्चा में पकाऊंगी, ज़्यादा मैं नहीं पकाऊंगी इसको, और भिंडी के साथ भूनते ही ये लाल हो जाएगा, अच्छा रहेगा। तो बस यहाँ पे मैंने डाल दी भिंडी, और भिंडी डालने के बाद थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी, और बस सिंपल सा आज भिंडी का सब्जी भाजी, इसको बोलते हैं हम लोग भाजी, बस ज़्यादा नहीं, बस तीन चीज़ों से बनता है ये, मतलब हरी मिर्च प्याज और नमक बस, और भिंडी रहता है। तो बस जब मेरी आधी भिंडी बन जाती है मतलब पक जाती है आधा से ज़्यादा, जब मेरी आधा से ज़्यादा भिंडी पक जाती है तब मैं इसमें ऐड करती हूँ नमक। तो आप देख सकते हो कि भिंडी बन के तैयार हो गई है, और बस भिंडी की सब्ज़ी बन ही रही थी कि मैं चली गई थी यहाँ पे कूलर के पास, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी, अब क्या किया जाए। और उसके बाद मैं जब मतलब कूलर के पास में बैठी, उसके बाद फिर चली गई मैं किचन में, मतलब रोटियां सोटियां बनाई, और उसके बाद मैं आ जाती हूँ फिर, मतलब जो कपड़े थे मैंने क्लीन किए थे मतलब साफ़ किए थे, और मेरा तो बस मशीन ख़राब हो गया है, तो मैं जब सब कपड़े मैंने हाथ से साफ़ किए थे, बच्चों के थे और मेरे थे, तो मैंने छत पे मतलब फैलाई थी, तो मतलब सूखे नहीं थे, कुछ कपड़े गीले भी थे इसमें या कुछ सूख गए थे, तो वही मैं देख रही हूँ कौन सा गीला है कौन सा सूख गया है, जो गीले रहेंगे उसको मैं फैला दूँगी, और जो सूख गए हैं कपड़े उसका मैं तह लगाऊँगी। तो बस तह लगा लूँगी अब कपड़े, और तह भी लग गए हैं। और यहाँ पे मेरे चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिया करें, और ताकि आप लोग मेरे लेटेस्ट वीडियो देख सको, नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप लोगों को। तो और आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को, पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, और जो हमारा चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो बस आज का वीडियो मेरा कैसा लगा आप लोग को, और आज का मेरा वीडियो बस इतना ही था, और प्लीज़ 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 वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि मेरा टाइम वॉच बढ़े। और तो कैसा लगा आप लोग को ब्लॉग,
आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हो नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।